वो गाजा पी के देश को क्या चलाएंगे जी? जो राम का वो हमारा, ठीक है, जो राम का वो हमारा, बीजेपी राम का बीजेपी हमारा, ठीक है। खाना रहा तो राम और रहीम दोनों याद आएगा, खाना नहीं रहा ना राम आएगा ना रहीम आएगा। भैया वो तो मुख्यमंत्री जी तो ये समझाने का कोशिश, 12 साल के लड़का को पता है कि POR डालेंगे, फोरन डालेंगे तो खुल जाएगा वेबसाइट, ठीक है। अभी वो CM लायक नहीं है, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर स्टेशन पे और यहाँ पे काफी जनता मौजूद है और नीतीश कुमार जी ने जो एक टिप्पणी दी है पूरे बिहार के महिला के बारे में, पूरे बिहार का महिला जो है कि अभी शर्मनाक महसूस कर रहे हैं और शर्म से जो है कि कई महिला ऐसे हैं कि रोते हुए उनका वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कुछ यहाँ पे जनता लोग हैं, इन लोग से बात करेंगे, क्या उनके मुँह से इतना अभद्र भाषा का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हम बेरोजगारी पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इन भैया के पास। क्या भैया क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी का बयान सुने हैं क्या? नहीं, पहले आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल वेलकम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जो बयान दिए बहुत शर्मनायक चीज है। नीतीश कुमार के घर में भी बाल बच्चे हैं या नहीं है ये सोचने की बात है। किसी की बहू और बेटी की इज्जत भी सड़क पे नीलाम कर रहे हैं। आपकी तो पत्नी नहीं है, आप तो पत्नी का दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पत्नी रहता तो दर्द महसूस करते, पत्नी तो है नहीं बिहार के। शायद आपको पता नहीं होगा उनको पत्नी भी है और एक बेटा भी है, नहीं नहीं कि छोड़ चुके हैं। वो क्यों छोड़े हैं, क्यों दबाव में हैं? भैया आप ही आके बोल लो, पहले एकाध करके बोलिए। नीतीश कुमार जी पहले 2004 में जब थे CM तभी का छवि देखिए। अभी जो RJD से मिले हुए हैं, गठबंधन है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। वो गाजा पी के देश को क्या चलाएंगे जी? कभी जाति जनगणना करवाते हैं, कभी जाति जनगणना हो जाता है तो टीचर को बोलता है चलो अब कितना कुल संख्या है ये बताओ। ये क्या हो रहा है देश को क्या बर्बाद करके रख दिया? महंगाई देख ही रहे हैं। एक समय था जिस समय वो आए थे उनके लैंग्वेज से ही उनको पहचाना जाता था, वो जो शब्द का इस्तेमाल करते थे उसी से उनको उनका पहचान बनाता कि ये शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है जो कि बार बार, ये पहला गलती नहीं है, हमेशा बार बार कुछ ना कुछ गलती करते हैं। देखिए सिंपल बात है, आप चोर के साथ रहोगे तो चोर कहलाओगे। जब बिहार में 50-60 लोगों से ज्यादा यहाँ पे मर गया था बिहार के जनता दारू पी करके, उस समय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि पिएगा तो मरेगा ही। इस प्रकार से अब जो है कि बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। आज एक बेटी का नहीं पूरे देश की बेटी का अपमान हुआ है, पूरे देश के भाई का अपमान हुआ है, ठीक है। वो CM थे, अभी वो CM लायक नहीं है, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। इसमें अपमान की क्या बात है भैया? वो तो मुख्यमंत्री जी तो ये समझाने का कोशिश कर रहे थे कि अभी जो ये जनसंख्या बढ़ रही है इसको नियंत्रण कैसे किया जाए, हम बेटी को पढ़ा करके इतना शिक्षित कर दिया है कि वो अंदर में या फिर बाहर में क्या बोले, बोलने का मतलब मन नहीं कर रहा है। अच्छा आप कहीं भी पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए या कोई ग्रंथ पढ़िए, स्पष्ट कहीं नहीं कुछ बता है। ये नीतीश कुमार अस्पष्ट बता रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए। इस पे हम लोग को असर नहीं होगा, हमारे अगला पीढ़ी जो है वो वीडियो देखेगा तो उसको गलत सेंस होगा और ये गलत सेंस पूरे दुनिया को पता चल गया कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। सरकार जी एक छोटा सा बात बोल दिए तो सब आदमी को बुरा लग रहा है, ठीक ना, बट इतना दिन से जो वो अच्छा काम किया वो कोई याद नहीं रख रहा है। अगर कहा जाए आज अगर कोई आदमी अपने घर आता है पी के, सबसे पहले डर किसका होता है? बिहार पुलिस का, कि गलती से अगर मेरी वाइफ कॉल कर दे उठा के ना लेके चल जाए, तो ये डर किसका है? नीतीश सरकार का है ना। हाँ बताइए, आज अगर कोई झारखंड में ठीक है खुलेआम चलता है, बिहार में कोई आदमी खुलेआम पी के दिखा दे थोड़ा, हाँ ठीक है। एक सेकंड मेरी बात सुनो, एक सेकंड आजकल आजकल 12 साल के लड़का को पता है कि POR डालेंगे फोरन डालेंगे तो खुल जाएगा वेबसाइट, ठीक ना। तो ये बोलने वाली बात क्या है? सब कोई जानता है शादी के बाद क्या करना है नहीं करना है, तो अगर बोल के बता रहा है तो इसमें अपमान की क्या बात है? आपका शादी क्या, आपका शादी अनमैरिड है कुमारे हम, ठीक ना। आपका शादी होगा तो आप सड़क पे वो कर सकते, सबको पता है कि ये सड़क की बात नहीं बोली, घर के बात बोला है कि घर में रूम में बताया जा रहा है कि वहाँ पे संसद भवन में खुलेआम बताया जा रहा है कि बहुत सारे आदमी आंख में चश्मा पहन कर, आपका शादी होगा और यही कैमरा लेकर के आएंगे और पूरे लाइव करके पूछेंगे कि भैया शादी हुआ है अंदर में गिरा है या बाहर में गिरा है, तो आप क्या बोलेंगे? तो अगर बोलने में मिस्टेक हो गया तो आदमी
जात को क्या रबड़ के जैसा हम लंबा करेंगे, रबड़ के जैसा लंबा करेंगे। ये तो हुआ कि जातिवाद वाला, ठीक ना, कि बीजेपी सरकार का आदमी कुछ और बोल रहा है। यहाँ तो मौका चाहिए, मौका पे चौका मारने के लिए, ठीक ना। इतना अच्छाई किया है कोई याद नहीं रख रहा है, ठीक ना। बिहार का मुख्यमंत्री है, ठीक ना, और आपके अंदर इतना सारा व्यक्ति है, ठीक। एक मिनट बात मेरा सुन लीजिए, बात मेरा। आप गलती क्यों कर रहे हैं, आप गलती क्यों कर रहे हैं? आप तो मुख्यमंत्री हैं, काहे गलती कर रहे हैं, काहे गलती कर रहे हैं आप? आपके घर में, आपके घर में बेटी बहन होता है कि नहीं होता है? तुमसे गलती होता है कि नहीं? नहीं होता है। और बताइए, सुनिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के बेटी, बिहार के बहन, बिहार के माता बहन, क्या नहीं? हर इंसान से गलती हुआ, गलती हुआ तो आप क्या बोल रहे? 1,40,000 का मोबाइल रात दिन है, न्यूज़ देखते हैं भाई, ठीक ना। हम भी देखते हैं, ठीक ना, हम भी वीडियो देखते हैं। बीजेपी मोदी सरकार सबसे अच्छे हैं, ठीक है। मोदी सरकार ही रहे तो ठीक है, भाजपा आदमी को भिखमंगा बना देगा, बोलेगा पकौड़ा बेचो रोड पर। तो बिहार में भिखमंगा कौन बनाया है? भाजपा का? भाजपा तो बना रहा है, वो तो राम का प्रचार दे रहा है क्या? रुपया था बताइए, आज से 5 साल पहले कहाँ सिलेंडर 1,200 रुपया था? मोदी आया तो सिलेंडर होने गया, पेट्रोल देखिए 108 रुपया लीटर, कहाँ 67 रुपया लीटर भरवाया करते थे, बताइए। क्या बोलना चाहते हैं? एक मिनट, जो राम का वो हमारा, ठीक है, जो राम का वो हमारा, बीजेपी राम का बीजेपी हमारा, ठीक है। और जिस तरह उस सेक्स एजुकेशन पे बोले, वो गलत बोले, उसको बोलना चाहिए था सही समय, वो बोल नहीं पाए, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए असेंबली में। तो भैया तो बोल रहे हैं कि सबको ही करता है, तो बोलने में क्या है? वो इस तरह डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए, वो गलत बोले। भैया को बोलिए, भैया भी बोले, पेट में अगर खाना रहा तो राम और रहीम दोनों याद आएगा, खाना नहीं रहा ना राम आएगा ना रहीम आएगा, ठीक। ना मंदिर से कोई पंडित आएगा, ना मस्जिद से कोई मौलवी आएगा। मेरा नाम सलमान, आप ये बताइए, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, मौलवी आके खाना देगा नहीं देगा, ठीक ना। हाँ, भूखे तो यहाँ गलत हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। तो भागे बिहार में अपने फैले हुए हैं, तो क्या बोले? बिहार में इतनी बेकारी है, कहीं को काज काम नहीं, यहाँ के बिहार लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, उसे कोई अच्छा व्यवस्था नहीं होता है। यहाँ पर नौकरी दीजिए, यहाँ पर व्यवस्था कीजिए, वो कंपनी खोलिए यहाँ गरीबों के लिए, जो आपने कब नौकरी तो दे ही दिया, 1,20,000 नौकरी दिया भैया, 1,20,000 बड़ा बेकारी, क्यों कमाने बाहर जाता? हमारे बिहार का इज्जत कितना है अदर स्टेट में बताइए? जब हमारे यहाँ अगर कमाने का साधन होता तो बाहर ही जाता कमाने के लिए? बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल सही बात। बिहार में रोजगार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, पहले ये बात सुनिए, आप लोग जो तमाशा करके रखे हैं, नीतीश सरकार बोला तो ठीक है, गलत बात है। अमित शाह जो बोला है इंटर करके 12वीं पास करो, ये कौन तरीका है? उस पर आप बात नहीं कीजिएगा, उस पर आप तो बात नहीं कीजिए, वो अभद्र नीतीश से। लेकिन गलती हो गया, हम ही नहीं बोल रहे हैं, वो गलत नहीं किया है, गलत किया है, लेकिन 100 बार बोला यह गलती मेरा माफ कर दीजिए। या महिला का सम्मान की बात है, अभी टीचर में 1,70,000 वैकेंसी दिया, 1,20,000 का जो ज्वाइनिंग करेगा उस पर बात नहीं कीजिएगा, उस पर बात करें। अभी बिहार में जो है कि कितना साल से अदर, इधर सुनिए बता रहे, अदर स्टेट की अपेक्षा भारत में 28 स्टेट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे अपेक्षा बिहार सरकार नौकरी देने में अभी वर्तमान में आगे है। और आगे आप बोलिए, नीतीश से गलती हुआ, सबसे आगे है तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे क्यों है भैया? अरे भाई धीरे धीरे बेरोजगारी खत्म होगा ना, एक बार सब क्या पहर के नौकरी ले लेगा? नहीं, नौकरी निकल ही रही है, हमेशा निकल ही रही है, विद्यार्थियों को अपना कंट्रोल है, हमको क्या करना है? एक सवाल सुनिए, बच्चा जन्म लिया तो बच्चे पैदा कर देगा, इसका जवाब दीजिए आप, बच्चा जन्म लिया तो उसी का बच्चा पैदा कीजिए भैया, 25 साल ना पहले जवान होगा, ठीक है जवान होगा, सब कोई सरकारी नौकरी लेगा? अरे नहीं लेगा तो सारा डिपार्टमेंट बंद हो गया, अंधा हो गया। क्या डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी के अलावा क्या डिपार्टमेंट यहाँ है बताइए? आपका क्या कहना है? मतलब आदमी जब प्राइवेट में 35 साल में भगा देता है, सरकार को बोलिए प्राइवेट में नौकरी जो भी आदमी करेगा उसको बोलिए 60 साल देगा पेंशन, तब जाएंगे प्राइवेट में।
में करेगा ऐसा। पेंशन के लिए नौकरी, पेंशन नहीं, 60 साल देगा ना जॉब, 60 साल के जॉब देगा ना, 60 साल। आदमी बिहार का आदमी बाहर का जाता है कमाने, बिहार में आप लाइन हो रहा है, बिहार में आप फैक्ट्री लाइए की भैया ट्रेन बोल रहे हैं, आप बिहार में फैक्ट्री बनाइए, बिहार का आदमी जो जाएगा ना आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। और फैक्ट्री का बात करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री का कोई जरूरत नहीं है बिहार, आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट में लोग जी भी। अरे भाई इधर सुनो, ये भी बात बता रहे हैं, रोजगार किसे कहा जाता है, रोजगार नौकरी को नहीं कहा जाता, सरकार को। इधर सुन, सरकार जो है ना कहीं ना कहीं विफल है, नीतीश सरकार भी हम ही नहीं करेंगे अच्छा सरकार है कहीं ना कहीं, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, अदर स्टेट की अपेक्षा तो ठीक ठाक है, तभी तो 15 साल उनको चुना गया। लेकिन अब क्या कहना चाहेंगे, ये जो अब तो बुरा तो गुप्त मतदान है, जो लोग जनता कह रहे हैं कि अब बूढ़े हो चुके हैं, अब इसका जवाब तो अब जनता खुद देगा, आपको मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं।